दोस्तों आज 7 मई को भी पेमेंट डलना शुरू हो चुका है। आप यहां पर देख सकते हो किन किन ज़िलों का जो पेमेंट डलना शुरू हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूं। मेरे पास काफ़ी स्क्रीनशॉट आ चुके हैं साथियों। देखो भाई, एक मेरा छोटा सा आपसे निवेदन रहता है कि यदि आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वह घंटे के बटन को दबाना साथियों नहीं भूलना। देखो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि बेरोज़गार भत्ते के लिए आपको कभी भटकने नहीं दिया जाएगा, ठीक है। यदि आपके साथ कोई अन्याय हो रहा हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हो, आपकी पूरी पूरी हेल्प की जाएगी, आपका एक एक पैसा आपके अकाउंट में आएगा, ठीक है ना। तो आप यहां पर देख सकते हो साथियों, जो उदयपुर ज़िला है इसका कल भी 6 मई को पेमेंट डाला गया था, इसका पुनः पेमेंट रिपीट हुआ है। साथियों ये ध्यान रखना कि जिनका पेमेंट पहले दिन लगभग पूर्ण नहीं हो पाता है तो उसका 3 या 4 दिन में वो पेमेंट क्या होता पूर्ण हो जाता है। तो इस जो उदयपुर ज़िला है इसका हमारे पास काफ़ी स्क्रीनशॉट आ चुके हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हो जो उदयपुर ज़िला है उसका पेमेंट आना शुरू हो चुका है। और साथियों ये पेमेंट प्रक्रिया शाम तक ऐसे ही कंटिन्यू जारी रहेगी। और आज आपको काफ़ी ज़िलों का जो मार्च का व जो फरवरी का पेमेंट वो आपको देखने को मिलेगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जो साथी बार बार कमेंट्स कर रहे हैं कि सवाई माधोपुर बीकानेर बाड़मेर की हमारा पेमेंट नहीं आया 3 माह का, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जयपुर ज़िला था उसका भी यही हाल था, लेकिन उसका जो 4 महीनों का पेमेंट है वो 3 दिन के अंदर ही डाल दिया गया था, ठीक है ना। यानी उसका जो पेमेंट ये जनवरी फरवरी और मार्च और दिसंबर का 4 माह का पेमेंट एक साथ ही डाल दिया गया था 4 दिन के अंदर अंदर। तो आप थोड़ा धैर्य बनाए रखो कि आपका पेमेंट भी एक साथ ही आने की पूरी पूरी संभावना है, क्योंकि आपका पेमेंट काफ़ी लंबा समय हो चुका है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, आपको एक्टिव होना पड़ेगा, आपको जागरूक होना पड़ेगा और आपको 101% 181 पर शिकायत दर्ज करवानी होगी साथियों। शिकायत करवाने से ये होता है आपका जो पेमेंट है वो पेंडिंग में नहीं जाता है और जो आपका डिपार्टमेंट है उसको आपका जवाब देना पड़ता है, ठीक है ना। तो आप थोड़ा शिकायत ज़रूर करवाएं, आपका पेमेंट 101% हो जाएगा, ठीक है। और जैसे ही और अपडेट आती रहेगी आपको जानकारी देते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वह समस्या हो तो कमेंट्स करें व शेयर करें। धन्यवाद।